तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे आप लोग? फ्रेंड आज चांद रात है और कल बकरीद, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम लोग दूध को चौराहे पर हैं, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। वैसे जाम लगे ना यहाँ पे, ये देखो सिंगल सिंगल लोग हैं, कार में कोई कार बैठे हैं। बैन कर देनी चाहिए चांद रात के दिन यहाँ पर फोर व्हीलर। देखो ये भी बाइक से निकल सकते थे लेकिन नहीं, नवादी में कार से निकलेंगे, इसलिए जाम लगा हुआ है। और आगे 50 मीटर की दूरी पर है चौराहा और देखिए जाम यहाँ से लग गया है। हमने शायद में तो और लंबा जाम होगा। और ये देखिए इंडियन गजक पे सेवई बिक रही है। तो बहुत खतरनाक जाम लगा था, हम लोग वापस आ गए पलट के। और आगे चालान भी कट रहा है, तो आप लोग बिना हेलमेट के ना निकले। चौराहा जो है वहाँ पे भी देखिए चालान काट रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई जाता भी नहीं है हेलमेट पहन के, और वहाँ पे खूब धड़ाधड़ चालान काट रहे हैं। मैंने देखा था, मतलब अभी परसों में आए थे यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ चालान कट गया मेरा, तो इसलिए गए नहीं हम लोग वापस आ गए वहाँ। तो आप लोग अगर यहाँ गली, मतलब इस चौराहे पे भी आए तो हेलमेट पहन गया, तो यहाँ पे जो 99% लोग जो दिख रहे हैं मुझे बिना हेलमेट के दिख रहे हैं, सबका चालान कटा हुआ है। हाँ सबका कटा हुआ, तो बहुत बेकार बात हो गई। तो ऐसे गलियों के चौराहे पे चालान कटना बेकार है ना, यहाँ पे कोई ऐसा वो तो है नहीं कि वो चौड़ी रोड हो, 20 मैक्सिमम 15 या 20 की स्पीड पर चलता है यहाँ पे इंसान। तो चांद रात का दिखा रहे हैं आपको व्यू पूरा, और आप सभी लोगों को एडवांस में बकरीद मुबारक। और कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी आप लोगों ने। अरे आसिफ भाई, आसिफ भाई से भागे। तो ज़रूर कमेंट करिए आप लोग कि कहाँ कहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी आप लोगों ने, और ईद का भी पूरा व्लॉग आएगा। होटलों पर सन्नाटा पड़ा है वैसे। आज क्या जरूरत थी लोगों को होटल आने पर यार, क्या ऐसी क्या मजबूरी थी, एक दिन की बात है। और नजीब भाई जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह अलबुहैर। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, क्या लेना है। ये देखिए अपना बाजार में इस वक्त हम लोग, नजीब भाई को कुछ लेना है, तैयारी कर रहे हैं बकरीद की। मसाले वसाले ले रहे हैं क्या? मसाला भी लेना है। ये अलबुहैर के बराबर में ही है। तो आप लोग तो आ ही चुके होंगे यहाँ पर, ये सारा सामान मिलता है ग्रॉसरी का पूरा यहाँ पे, और बिस्किट विस्किट का बड़ा साइज मिल जाता है यहाँ पे सारा, और सर्फ शैम्पू सारी चीज़ें यहाँ पे, तो बड़े साइज़ का भी सारा मिल जाएगा आपको पैक। यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं पूरे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे अचार थे, मायोनीज है, यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग तरीके मसाले हैं, दाल लगी हुई है, चांद के ज़्यादातर कैच के भी हैं, ये चाय की पत्ती लगी हुई है, ये चीनी का पैकेट है 5 किलो का, और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है। चलिए यहाँ पे तो कुछ सामान नहीं मिल पाया, मतलब एक दो चीज़ें मिली है, बाकी सामान फेयर प्राइस के लेते हैं मेडिकल रोड पे जो है आपका मेडिकल रोड वाला अलवेक। अल कबीर बंद हो गया क्या? और ये खाला का होटल है, और अब चलते हैं फेयर प्राइस। क्या लेना है वहाँ से? मसाले बकरीद की तैयारी, बकरीद की पूरी तैयारी। कुछ मसाले ले लिए, कुछ रह गए हैं, सौदा वौदा उठाना है। हाँ पूरा हाथ में का पूरा इंतजाम। हाँ पहुँच चुके हैं हम लोग फेयर प्राइस, जल्दी चलते हैं फेयर प्राइस में।
तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जूस रखे हुए हैं, और यहाँ पे ब्रेड, और ये नमकीन है यहाँ पे इस साइड में पूरे में, और इधर ये क्रीम पाउडर, ये सारी चीज़ें। बोला कोई अपने मतलब का मसाला? तो यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं मसाले। भैया कौन सा लिया आपने? सीख कबाब। ओ भाई, सीख कबाब का मामला लग रहा है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल और ये सारी चीज़ें है। तो तंदूरी है, तो चिकन है, चिकन और बड़े का अलग अलग होता है क्या? और इसके सामने यहाँ पे देखिए चाय की पत्ती, ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी, मस्टर्ड पाउडर, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी बिस्किट रखी हुई हैं, और कोलगेट है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्फ, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आइसक्रीम, और ये सारी चीज़ें।